चाहे सरकार उसके लिए कोई अच्छा भी रास्ता निकाले, राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश की आड़ में इस मामले को जानबूझ कर जो लटकाया जा रहा है उसके भी हम कतई पक्ष में नहीं है। ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से रास्ता निकालती है, कैसे निकालती है। हमें हमारे 5 दिग्गज साथियों को जो है जिनके लौट निकल चुकी है उनको भूखंड चाहिए और चाहिए। इसके लिए सरकार हाईकोर्ट में चाहे कुछ भी करे, चाहे बोर्ड को से रास्ता निकाले, लेकिन जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी है वर्ष पत्रकार पेंशन योजना। आप सब लोगों को पता है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 6 मार्च 2013 को राजस्थान विधानसभा में घोषणा की थी कि राजस्थान के 60 साल से ऊपर वाले सभी वर्ग पत्रकारों में सारी तलाशी दी जाएगी, जो 5,000 रुपये महीने की तय की गई थी। 7 महीने तक पूरा से मिली भी है लोगों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आते ही इस राशि को बंद कर दिया, जिसका कारण अब तक मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसको बंद करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तीसरे वाले सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मेडिक्लेम जो टेस्टलेस योजना का जो घोषणा की थी सेविता में। सबको पता है कि बजट सत्र में राजस्थान के जो बजट पेश किया था मुख्यमंत्री ने उसमें घोषणा की थी, आज 9 महीने बाद भी उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। आदेश स्वीकरण के लिए इतने नियम बना दिए गए हैं कि पत्रकारों को चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है कि जानबूझ करके एक प्रयास करके एक पत्रकारों के खिलाफ इस तरह का माहौल बना करके इन मामलों को लटकाया जा रहा है। बाकी ऐसे कोई बड़े मामले नहीं है। पत्रकारों को जो सुविधाएं दी गई आज से नहीं अंग्रेजी के जमाने से मिलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है। हर सरकार ने उसको बढ़ाया है बल्कि कम नहीं किया है। ये पहला मौका है कि जब पत्रकारों को जो सही और जायज मांग है उनको भी रोक दिया गया। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने राजस्थान के कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठक की थी और उन्होंने ये वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो पत्रकारों के 8 मांगों को हम पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने सुराज संकल्प पत्र में भी लिखा था, लेकिन 4 साल पूरा गुजरने के बाद भी उनमें अभी तक यही भी कार्रवाई नहीं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इसको कुछ लोग पत्रकारों में फाड़ कराने का एक पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आप उनकी बातों में नहीं आए। वो कुछ भी नहीं करने वाले, उनका केवल एक मकसद है कि पत्रकारों में विरोध रहे, एक दूसरे पे इनके 2 फाड़ हो और ये अपने इन जो कर रहे हैं इनमें सफल नहीं हो पाए। मैं आप लोगों से इतना अनुरोध करता हूँ, हो सकता है आपके पास भी टेलीफोन आए, हो सकता है कि मेरे भी आपके सामने बुराई हो या मेरे और किसी के साथ की बुराई हो, ये एक प्रयास है। सरकार के कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि उन बातों में नहीं जाकर आप अपने हम एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा किसी का एक आदमी का स्वार्थ नहीं, इसमें सारे पत्रकारों का मामला है। उसमें हो सकता है आपको कम लाभ हो, किसी दूसरे को ज़्यादा लाभ हो, लेकिन लाभ सबका है। भविष्य में जो आज कर रहे हैं वर्ष पत्रकार योजना वाले, हो सकता है 5 साल बाद हम भी बूढ़े होंगे, हम भी उस चीज में शामिल होंगे। आज हमारे युवा साथी 10 साल बाद भी शामिल होंगे, लेकिन ये लाभ सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि साहब आज 40 आदमियों को मिलना है या 30 आदमियों को मिलना है। इससे मैं ये आह्वान करता हूँ कि हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाए। आपको मैं एक जानकारी और दे दूँ कि एक छोटे से कोमार एक लाइन के हिसाब से छोटे मोटे सारे अखबार जो है, लघु समाचार पत्र है, उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए। जबकि हर सरकार ने, चाहे मुख्यमंत्री धर्म सिंह जी रहे हो, चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो, चाहे हरदेव जोशी जी रहे हो, चाहे शिवचंद्र जी माथुर रहे हो, उन्होंने लघु समाचार पत्रों का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने उनके लिए एक नीति बनाई कि इनको समय समय पर विज्ञापन दिया जाएगा। उन नीतियों को भी दरकिनार करके और एक नया एक फंडा निकाल करके उनके किसी न किसी कारण से मतलब विज्ञापन बंद कर देंगे, ताकि वो समाचार प्रकाशित नहीं हो और मजबूर होकर के बंद की ओर। आज जो जानकारी मुझे कल ही मैंने इकट्ठी की थी, करीब 2 महीने के अंदर 350 पत्रकारों जो मालिक है लघु समाचार पत्र, उन्होंने लिख के दिया सरकार को, सब हम अखबार चलाने की स्थिति में। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि पिछले कुछ सालों से सरकार के बीच में ऐसे लोग आ गए जो सरकार और पत्रकारों के बीच में दूरियां बढ़ा रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि ये दूर ऐसे लोगों को बड़ा तमाशा, उनका खुलासा हो और सरकार हमारी मांगे माने, हम हमारी मतलब उनके नेता की जिम्मेदारी है सरकार की, और हमारा हक है ये पत्रकारों को सुविधा इसलिए दी गई थी कि वो किसी भी उसके काम में या उसके पत्रकार को गलत रिपोर्टिंग नहीं करे, सच्चाई रिपोर्टिंग करे, साफ रिपोर्टिंग करे, जनता उनसे इसलिए सुविधाएं दी गई थी, ये सरकारों के मंशा थे उस समय भी। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से, इस लड़ाई को अंत तक अपन लड़ेंगे, और आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप हमें दोगुने जोश के साथ साथ देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।